Hi, welcome to Life Roots. आज का एक टेक्निकल वीडियो है. ये जो वीडियो है हम आपको बोलना चाहता है कि इसका आर्क गाउजिंग क्या होता है, क्यों आर्क गाउजिंग यूज़ करना है, इसके बारे में एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है. चलिए वीडियो को साथ में रह लीजिए, दिखाता हूँ आप लोग. अभी आपने जो स्क्रीन में देख रहे हैं इसका एक टिपिकल अरेंजमेंट है. इसमें ट्रॉप, इसमें टॉर्च दिया हुआ है, इलेक्ट्रोड है, वर्क प्लेस में कैसे ये जो ट्रैवलिंग होता है, कैसे मेटल निकल जाता है, इसका एक आइडिया एक पिक्चर में आपको मिल जाएगा. चलिए मैं प्रैक्टिकल में आपको बाकी दिखा देता हूँ. एक्चुअली हमारे पास एक बड़ा रोटर आया हुआ है, इसको रोटर बोलते हैं, क्रशर में जो यूज़ होता है रोटर है. इसको ये चीज़ को हमने रिप्लेस करना है, इसको है ना, इसको रिप्लेस करना है, सही है. ओके, इसको रिप्लेस करना है. इसको रिप्लेस करने में नॉर्मली क्या होता है, इसको जो वेल्डिंग हो जाएगा, ये जो वेल्डिंग है आप जो दिख रहे हैं ना इधर का वेल्डिंग, ये जो वेल्डिंग है नॉर्मली गैस कटिंग से नहीं होता है. गैस टॉर्च में हमको वेल्डिंग इसका कटिंग नहीं कर पाएगा. इसको रिप्लेसमेंट करने के लिए इसको पूरा कटिंग निकालना पड़ेगा. इसके लिए नॉर्मल गाउजिंग में नहीं होता है. एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, आप चालू कर लीजिए. नॉर्मल इसमें से नहीं जाएगा. या क्यों हम लोग आर्क गाउजिंग यूज़ करना चाहते हैं मैं आपको दिखाता हूँ. नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मल प्लेट MS प्लेट में हमको ऑक्सीजन से कटिंग हो जाएगी, ऑक्सीजन एसेटिलीन जो भी टॉर्च है ना उसमें हो जाएगा, वो टॉर्च से इसका हो जाएगा. लेकिन आप देख लो इसका कटिंग हो रहा है, लेकिन आप जॉइंट में देखिएगा, जॉइंट में वो जॉइंट का अलॉय बिल्डिंग है, उससे नहीं होगा, तो बहुत मुश्किल से होगा, होगा तो भी बहुत कम होता है. इसके लिए चला स्टॉप, इसके लिए सिर्फ हमको दूसरे एक तरीका है इसका गाउजिंग करने के लिए, उसका डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ. उसके लिए तीन चीज़ चाहिए. एक तो चाहिए हमको पहले एक वेल्डिंग मशीन, वो हम रेडी किया हुआ है वहाँ पे. एक दूसरा चाहिए इसका एयर चाहिए, कंप्रेस्ड एयर. अप्रोक्सीमेटली इट शुड बी अराउंड 6 kg बार का जो कंप्रेस्ड एयर होना चाहिए अपने पास में. ये छोटा काम है इसलिए हम छोटा यूज़ कर रहा हूँ. ये कंप्रेस्ड एयर होना चाहिए 6 kg प्रेशर का. ये देखो, ये इसको बोलते हैं इसका इलेक्ट्रोड. इसका इलेक्ट्रोड क्या होता है, नॉर्मली ये कार्बन का इलेक्ट्रोड आता है. इट्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट साइज, 6 mm, 8 mm, 8 mm, 10 mm तक आता है. इसमें नॉर्मली ये इसका इलेक्ट्रोड हो जाता है. ये इलेक्ट्रोड का साथ में ये इसका होल्डर है, पकड़ो आपने. ये होल्डर में क्या होगा, ये होल्डर का आप ये जो इधर में देखेगा, इसमें एक साइड में एयर इंटेक है, इसमें हाई कंप्रेसर का एयर इंटेक होता है. दूसरे साइड में इसका हमारा वेल्डिंग मशीन का कनेक्शन इसमें देना पड़ेगा, पॉजिटिव कनेक्शन इसमें देगा और इसमें एयर का इंटेक देना पड़ेगा. उसको क्या होगा, दोनों साइड में ये होस से इधर से आएगा, इसका साथ में एयर भी आएगा और इधर में आपको पावर भी मिलेगा. तो एयर है ना, आपको दिखाता हूँ, देखो ऐसे बोलो. एयर नॉर्मली क्या होता है, एयर इधर से आने के बाद एयर से ये जो होल्स है ना आपको जो दिखाई दे रहा है, ये होल से एकदम प्रेशर से निकलेगा, लेकिन इधर साथ साथ में इसका पावर भी मिलेगा. जैसा हमने नॉर्मली वेल्डिंग जो करते हैं, वेल्डिंग का जो तीरे सेम होता है, ये तीरे में क्या होता है, दो प्लस और माइनस टच होने पे आर्क बन जाता है. आर्क बनने के बाद क्या होगा, मेटल मेल्ट हो जाएगा, तभी ये एयर प्रेस करेगा. देखो इधर में एयर का प्रेसिंग है, ये में प्रेस करेगा तो इधर से एयर एकदम बाहर से आएगा तो मेटल को फेंक देगा बाहर दूर फेंक देगा, ठीक है. सो वी नीड अनदर वन इज़ वेल्डिंग मशीन, नॉर्मल वेल्डिंग मशीन. इधर नॉर्मल वेल्डिंग मशीन शुड बी कैपेसिटी अराउंड 400 एम्पीयर तक आपको मिनिमम तो होना चाहिए. ये वेल्डिंग मशीन रेडी है. वेल्डिंग मशीन का दो केबल आएगा, एक केबल जाएगा सीधा अपना नॉर्मल वेल्डिंग जैसे करना जैसे है एर्थ पे जाएगा, हमने एर्थ इधर दिया हुआ है, एर्थ पे जाएगा एक मशीन. पहले मैंने एयर एक केबल मैंने पहले जो आपको बोला है वो जाएगा आपका, ठीक है.
देख सकता है ना, ये जो है मैं आपको पहले बोला, इसका ये भी पावर भी आएगा, एयर भी आएगा, एयर इसके साथ में जब भी ये टच हो जाएगा, ये मेटल को मेल्टिंग करेगा। मेल्टिंग करने के बाद क्या होगा, एयर जो आएगा एयर प्रेशर से दूर फेंकेगा। जैसे हमने जितना भी हमने चालू किया, देखो ये पूरा कटिंग जो चालू कर दिया हम लोग, ये जस्ट स्टार्टिंग। ओके, ये एक ऐसा तरीका होता है, उसमें दूसरा एक फ़ायदा भी है। इसका फ़ायदा है ये कि बेस मेटल ज़्यादा हीटअप नहीं होगा। देखो जैसे कटिंग या मैं हाथ लगा सकता हूँ, थोड़ा थोड़ा हीटिंग आएगा, लेकिन इसमें ज़्यादा हीटअप नहीं होगा, तो बेस मेटल ज़्यादा हीट भी नहीं होगा, कटिंग भी हो जाएगा। दूसरा जो गैस ऑक्सी एक्सीलरेटिंग कटिंग में क्या होता है कि ये बेस मेटल ज़्यादा हीटअप होता है नॉर्मली, तो यही है इसका जो एडवांस यही है। और फास्ट मेटल रिमूविंग है, जितने हमने जो वेल्डिंग राड दे दो मेरे को, ये जो राड के हिसाब से आप देखेगा ना, ये हमने यूज़ कर रहा है 6 mm राड है, ये हमने यूज़ कर रहा है 6 mm राड है। इसका बड़ा वाला यूज़ करेगा उसके हिसाब से मेटल जल्दी जाएगा, तो यही है इसका एडवांटेज। और फास्ट मूविंग है, फास्ट रिमूवल भी होता है अपने, और बेस मेटल हीट भी नहीं जाएगा, ये सब इसका एडवांटेज है। तो यही है नॉर्मली मार्क गौजिंग के बारे में हम लोग आपको दिखाना चाहता था। और आप लोग को वीडियो पसंद आ गया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और हमारा साथ में पूरा टीम था हमारा, देखो ये इज आवर मास्टर वेल्डर, ये या ऑल ऑफ द टीम हियर। ओके, या आवर बिग बॉस ऑल्सो देयर, मिस्टर डुगलस। सो या सब्सक्राइब एंड शेयर मैक्सिमम। साइनिंग ऑफ रफीक, ओके ना।